एक्सप्रेसवे निर्माण के चलते दलित बस्ती का रास्ता हुआ बंद। 6 महीने से रास्ता देने की ग्रामीण कर रहे मांग। आज एसडीएम कार्यालय परिसर में ग्रामीणों ने जमकर की नारेबाजी। रास्ता देने की मांग को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। समस्या के समाधान नहीं होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। ग्रामीणों ने पिछले सप्ताह भी दिया था ज्ञापन, अभी तक नहीं हुआ समस्या का समाधान। सोमाड़ा गांव बैरवा ढाणी के सैकड़ों लोगों का गुस्सा फूटा। ग्रामीणों ने बांदीपुर एसडीएम कार्यालय में जमकर नारेबाजी करते हुए एसडीएम नीरज मीणा को ज्ञापन सौंपकर जल्द रास्ता दिलवाने की मांग की। आइए देखते हैं बांदीपुर से ये खास रिपोर्ट। हाँ, हम रोड के लिए आए। हमारा रोड नहीं निकल रहा, रास्ता बंद कर दिया कंपनी वालों ने। हमको पुल बनाओ या तो हमारे पीपल वगैरह बच्चों के लिए स्कूल जाने के लिए रास्ता बंद होगा, व्हीकल निकलने के लिए रास्ता बंद होगा, बोरवेल मशीन के लिए रास्ता बंद होगा। हमारा चारों तरफ के रास्ता बंद हो गया, हम कहाँ पर जाए, हमारे क्या करें, हम भूखे मरेंगे वहाँ पे। हाँ, मिट्टी डालने आ गए, टैंकर खोलने आ गए, हमको मारेंगे वोट वोट के वहाँ पे। हाँ, हमारी कभी भी अधिकारी नहीं सुन रहे, हमको 2-2 साल हो गई। आपका नाम? मेरा नाम शकुंतला देवी। हमारे गांव में हमारी बड़ी समस्या हो रही है रास्ते की। वहाँ पहले तो कह रहे थे कि भाई सर्विस रोड आएगा, पुलिया बन रही, जब कह रहे कि सर्विस रोड आएगा। 1 साल से हम बहुत परेशान हो रहे हैं, साल भर से इतनी परेशानी हो रही है कि हमको रास्ता बिल्कुल अवरुद्ध हो चुका। ना कोई एम्बुलेंस आ सकती, ना कोई अभी बोरवेल मशीन आ सकती है। अभी प्यासे मरने की संभावना हो रही है। और हमारा शमशान घाट भी अगर उस साइड में पड़ रहा है रोड के उस पार्ट में, कभी नहीं पहुंच पा रहे वहाँ। अब जानवरों को खाने के लिए कोई चारा वारा कुछ नहीं ला सकते, चारों तरफ से रास्ता अवरुद्ध हो गया। सही राम जी पीडी को भी खूब अवगत कराया, और पुराने एसडीएम पिंकी मीणा जी को भी 3-4 बार एप्लीकेशन दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं अभी तक। अब आपका? हमको पुलिया चाहिए, मेजर पुलिया। क्या नाम है? इहलाल।